स्वागत है आप सबका मेरे साथ, मैं हूं शिवम दुबे और आप चेतना मंच देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा बागेश्वर दरबार में, जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। अगर आप आना चाहें तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है डिपो, वहां पर आप उतरिए और सीधा आप पहुंच जाएंगे बाबा बागेश्वर धाम। अब आपको यहाँ का हाल दिखाते हैं। हाल ये है कि आज 9 तारीख था, सुबह 8 बजे से कलश यात्रा होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से कलश यात्रा बाधित हुई। लेकिन फिर भी यहाँ के जो भक्त हैं, यहाँ की जो महिलाएं थी, पुरुष थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, सबके सब ने कलश यात्रा को पूर्ण किया और कलश यात्रा समाप्त हुई। अब आप यहाँ मेरे पीछे, मैं चाहूँगा तुषार आप एक बार कैमरा घुमाइए पूरा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्त अभी भी मौजूद हैं और आपको ये समझ में आएगा कि धीरे धीरे भक्त पंडाल में पहुंच रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि स्टेज भी सज गया है लगभग। कल सुबह 8 बजे बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर आ जाएंगे। 10 बजे से कथा का प्रारंभ होगा, कथा की शुरुआत होगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे पीछे स्टेज आप देख रहे हैं, ये स्टेज उन्हीं के लिए सजाया गया है। बाकायदा आप देख सकते हैं उनके चारों तरफ एसी है, पंडाल के चारों तरफ कूलर लगा हुआ है, पूरा पंडाल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। बाहर सुरक्षा, सीआईएसएफ के जवान, यूपी पुलिस के जवान, बड़े बड़े अधिकारी चाक चौबंद पूरी व्यवस्था के साथ यहां पर तैनात हैं। अब ज्यादा बात न चीत करते हुए यहां के भक्तों से आपकी बातचीत करवाते हैं, वो खुद ही बताएंगे कि वो यहां आकर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए आपको पूरा पंडाल का परिक्रमा करवाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, आप एक बार कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि अभी से भक्त आना शुरू हो गए हैं, बाबा की प्रतीक्षा में है। और यहाँ पर जो पंडाल लगा हुआ है, थोड़ा बारिश की वजह से समस्या आई है श्रद्धालुओं को यहाँ आने में और बाकी चीजों करने में, बाकी सब अपना अपना जगह लेके बैठ गए हैं। आज वो रात यहीं विश्राम करेंगे पंडाल में ही। और इसके बाद क्यों, क्योंकि कल जितनी भीड़ तकरीबन बताई जा रही है 8 से 10 लाख भीड़ जुटने वाली है यहाँ बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए, यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए। अब हम यहाँ आए हैं और हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, आपको सुनाएंगे कि यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से जब से हम आए हैं, कलश यात्रा जब से शुरू हुई है, तब से यहाँ भक्तों का हुजूम साफ साफ देखा जा सकता है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, सबके सब इस पूरे इस वक्त पंडाल में कहें तो बाबा में हो चुके हैं। तो हम बातचीत करते हैं। सर कहाँ से हैं आप? मैं जगबीर सिंह फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। अच्छा, कितने बजे आए आप यहाँ पे? मैं सुबह 8 बजे आ गया था। कलश यात्रा में आप सम्मिलित थे? हाँ। कैसी थी कलश यात्रा? कलश यात्रा बहुत अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, ये बताइए बाबा जी को आने को लेके कैसा लग रहा है अभी, महसूस हो रहा है, मतलब खुशी है इस बात की? और ये इस बात की कि बाबा यहाँ आ रहे हैं, अपना टाइम निकाल के अपना पूरा समय दे रहे हैं हमको, ये बहुत खुशी की बात है। और देश के लिए एक धार्मिक काम कर रहे हैं बहुत ही। चलिए ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा से सर। आप भी सुबह आ गए थे? सुबह नहीं सर, हम तो अभी आ पाए, हमें अभी पता चला था, तो हम बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे अभी। तो बाबा तो आ जाए ही नहीं? तो बाबा नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर भी हम आएंगे, कल आ जाएंगे बाबा, तो कल आएंगे, फिर भी हम आएंगे कल। कल आएंगे जी। और कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, देखें अभी बाबा आने से पहले ही इतना अच्छा लग रहा है, बाबा आएंगे तो अच्छा और लगेगा, हमें और अच्छा लगेगा जी। कलश यात्रा कैसी थी? बढ़िया रही थी, बढ़िया लग रहा है जी। बारिश की वजह से थोड़ा परेशान होना होगा, पड़ गया होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है बारिश की वजह से, भीड़ में भी फर्क पड़ा, पर भीड़ तो फिर भी आएगी, साफ होने से और अधिक भीड़ होने। अच्छा, अगर मौसम अभी भी थोड़ा ठीक होगा, बरसात रुकेगी तो भीड़ और अधिक होगी। नहीं, वो तो हम आ रहे थे तो हमें ये दिख रहा था साफ साफ कि जो बारिश हुई है इसकी वजह से थोड़ा श्रद्धालु और कुछ महिलाएं जो अपने घर से नहीं निकल पाई हैं इस भारी बारिश की वजह से, वरना यहाँ पे हुजूम और बड़ा होता, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा होना था, इसे डबल ट्रिपल होना था। तो आप लोग एक्साइटेड हैं बाबा जी को लेके? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बाबा जी के दर्शन करें। अच्छा, ये बताइए आप लोग, वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये जो बाबा जी ठठरी बजाते हैं या ठठरी बांध देते हैं, आपको लगता है ये सब सही बात है? नहीं, बिल्कुल 100% सही है, लगता नहीं है, 100% सही है ही, जो करते हैं वो सही करते हैं, सही करते हैं। हाँ। आप सब देख सकते हैं कि ये बाबा जी के प्रति श्रद्धा है इनकी, किनका कहना है कि वो जो भी करते हैं, जो भी बताते हैं, वो एक तरीके का उनकी उपासना है जिससे उनको वो चीज़ प्राप्त हुआ है। इनका ये कहना है कि जो बाबा जी करते हैं वो एक सिद्धि है, उसे ढोंग अगर कहा जा रहा है तो इनका मानना है कि वो जो कह रहे हैं वो गलत हैं। हम और भी कुछ महिलाएँ हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ यहाँ पर पंडाल में ही एक व्यक्ति मौजूद हैं जो आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको जानकर और सुनकर थोड़ा अचंभित भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा।
तो हम इन्हीं से बातचीत करते हैं, आप सब हमारे साथ बने रहिए और सुनिए। क्या नाम है सर आपका? जी नमस्कार, सीताराम जी। श्री बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो कार्यक्रम है, जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग के द्वारा किया जा रहा है जी, तो इसमें आप अभय कटारिया ग्रेटर नोएडा से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा। श्री बागेश्वर धाम सरकार श्री बालाजी महाराज की विशेष कृपा और अनुकंपा से आपको मालिक ने ख्याल दिया, श्री बालाजी महाराज ने ख्याल दिया, और आपने श्री बालाजी महाराज के तकरीबन, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आज तक के इतिहास में मैं देखूं तो श्री बालाजी महाराज बागेश्वर धाम सरकार का जो स्पेसिफिक वर्जन है उनके क्रम में उनके खनिज देव चौहान के अलावा कोई विशेष रचना ही नहीं है, पर बाबा ने ख्याल दिया कहीं ना कहीं आपने पिछले तकरीबन 3 महीने के अंदर तकरीबन 60 रचनाएं लिखी हैं, 11 रचनाएं एल्बम का नाम है जय हो बागेश्वर सरकार, जय हो बालाजी सरकार, वो श्री ज्ञानेंद्र सरदाना और हरेंद्र नागर जी जिनको आपने लिखा है उनके माध्यम से रिकॉर्ड कराई गई हैं, और दूसरा इस एल्बम को हमारे जो पीठाधीश्वर हैं कथा व्यास उनको एक आप सभी को विश्व में डालने वाले चमत्कार के रूप में जो व्यक्ति इसको उनको डेडिकेट करेंगे वो आप सभी के सामने एक विशेष कृत्य होने जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं अगर मैं अभी से ही उसका मैं डिस्क्लोजर कर देता हूं तो वो अतिशयोक्ति हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि जैसा कि धाम का अब तक का चमत्कार का इतिहास रहा है ऐसा ही एक विशेष कीर्तिमान संख्या बल के साथ साथ एक विशेष कृत्य का भी कहीं ना कहीं जो है मैं चाहता हूं कि कीर्तिमान स्थापित हो, और सोया हुआ जो हिंदू है जो पूर्व में कभी सो गया था एक विशेष काल में किसी दबाव में किसी प्रभाव में किसी दूसरे पंथ में वो चला गया था, कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहे हैं अपने पुनः घर वापसी की, तो इसी तरह का एक कृत्य आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। अच्छा ये बताइए, वैसे तो बाबा जी अभी इसके पहले मध्य प्रदेश बिहार और जगह जगह घूम के आए हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम सरकार या पूरे इस पंडाल में अलग क्या होगा, मतलब बाकी चीजों से अलग क्या हो सकता है? विशेष ये होगा कि जो आज तक पूरे विश्व में नहीं हुआ है। ऐसा क्या है विशेष? वो होगा जो आज तक पूरे विश्व में नहीं हुआ है, और हम सभी लोग इस चीज को अपनी आंखों से देखेंगे, कुदरत ने हमें दो आंखें बख्श रखी हैं कहीं ना कहीं जो है। बताइए ना कुछ तो बताइए। ये भगवान राम का चमत्कार होगा, क्योंकि भगवान राम का एक विशेष अपना अगर आप देखेंगे उठा करके तो उन्होंने एक राजा का बेटा होने के बाद जब वनगमन किया था तो वो अपने साथ किसी जो सामंत को नहीं ले गए, किसी धनुर्धारी को नहीं ले गए, किसी भाले वाले को नहीं ले गए, किसी घोड़े वाले को नहीं ले गए, उन्होंने सिर्फ वो तीन राम कहना कि तापस वेश विदेश विशेष उदासी और 13 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का जो वनवास रहा है 14 वर्ष में, तो तापस वेश विशेष उदासी वो तीन ही लोग गए थे जो है, भगवान राम माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण जो है, उसके बाद उन्होंने जो कुछ जुटाया सब कुछ वन से जुटाया, और उन्होंने क्योंकि भगवान राम की एक विशेषता रही थी जब उनके पिताजी का कार्यकाल था, उनका दशरथ जी का राजकाज था, तो वो जनता के पास जाते रहते थे, तो किसी के पास मान के चलो अच्छे लोग के पास गए जो उनके राज्य से जुड़ा हुआ था व्यवस्था से उसके पास गए तो यहाँ भाई कैसा चल रहा है, किसी चल क्या रहा है, परेशान कोई ना कोई जीव जगत में किसी ना किसी कारण से परेशान अवश्य रहता है, किसी ना किसी की आकांक्षा अपेक्षा किसी के जो है प्रत्यक्ष होती है किसी के अप्रत्यक्ष होती है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से लगभग बंधा रहता है। चलिए मान लेते हैं कि इस बार जो हो आज तक हो जो होगा श्री राम वो कहीं नहीं हुआ ये हम मान लेते हैं, लेकिन मैं आपसे वैसे पूछना तो नहीं चाहिए इस वक्त लेकिन पूछ लेता हूँ क्योंकि आप थोड़े जानकार लग रहे हैं और आपकी चेतना मुझे अच्छी खासी लग रही है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चाहे बाबा जी बिहार जाते हैं तो कुछ विरोधी हैं जो उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, चाहे बाबा जी छत्तीसगढ़ जाते हैं चाहे मध्य प्रदेश जाते हैं, लेकिन एक तबका है जो उन्हें बार बार इस तरीके से या अपशब्द कहकर या खास करके एक शब्द है ढोंगी कहकर के वो हाँ टारगेट करते हैं उन्हें, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे या आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मेरा मत इसमें क्या है, सबसे पहले आपने एक शब्द का जिक्र किया जिसका कहा ढोंग, तो ढोंग के संबंध में अगर ईश्वर ने सभी को कान बक्स रखे और उनसे सही सुनाई दे रहा है तो बाबा ढोंग हो गया या कोई भी टीका टिप्पणी वाली बात है उस पर हमारे पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब कहते हैं सेम टू यू, अगर शीशे के अंदर आप देखेंगे चेहरा, अगर भैया को शीशा दिखाएंगे तो इनका चेहरा दिखाई देगा, आपको शीशा दिखाएंगे तो आपका चेहरा दिखाई देगा, अगर किसी गधे को दुर्भाग्य से शीशा दिखाई देंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या दिखाई देगा, अगर गधे को शीशा दिखाए तो क्या दिखाई देगा बताइए आप मुझे, बताइए आप बताइए, नहीं नहीं आप बताइए, नहीं बताइए आप करें कहीं ना, सब आप बता रहे आप बताइए ना, हम बताएंगे तो गलत लगेगा, अगर गधे को शीशा दिखाएंगे तो बंदूक गधा ही उसके अंदर नजर आएगा, तो जो जैसा देखता है वैसा बोलता है,
जिसके अंदर राम है वो राम की बात करेगा, और कहीं ना कहीं वो भूल भटक कर कहीं दूसरे उधर चला गया है, तो उसके अंदर पुनः प्रभु की कृपा से जागृति पैदा हो रही है, ऊपर से राम के गीत गाएगा। अच्छा, एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, बस इसके बाद बंद कर दूंगा। सवाल मेरा ये है कि लोग ये कहते हैं कि 27-28 साल में, या बाबा जी की उम्र बहुत होगी 25-26-27 साल होगी, जो भी होगी, वो कहते हैं कि 27 साल में बाबा जी के पास ऐसी कौन सी सिद्धि प्राप्त हो गई जो 102 साल के बड़े बड़े महात्माओं के पास नहीं हुआ, कि आपका भविष्य वर्तमान और भूतकाल जो भी है वो सामने खड़े खड़े, वो कहते ना एक शब्द है उनका बड़ा फेमस है, वो ठठरी बांध देने वाला, हाँ वो कहते हैं कि अभी यही तुम्हारी ठठरी बांध, वो कहते हैं कि भाई ऐसी कौन सी सिद्धि है जो उनको इतनी उम्र में मिल गई, वो कहते हैं कि प्रकार का ये उनका ढोंग है कि वो उनका सेटिंग है पूरे पंडाल। आदरणीय बंधु, सबसे पहले मैं आपका ज्ञान संवर्धन कर देना चाहूंगा, अगर आपने श्री हनुमान चालीसा को अगर किसी बंधु ने पढ़ा होगा तो उसके अंदर 8 सिद्धि और 9 निधि का जिक्र आता है कि अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी सिद्धि में मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो भगवान श्री राम जी के जो चरणों के दास हैं, उनके प्रहरी हैं, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, जिनकी अनुमति के बगैर, कहते हैं कि दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, जिनके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपकी एक और बात आपने जिक्र किया था उसका, और मैं आपको प्रमुखता से जवाब दे दूं कि जिस वक्त तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस का कहीं ना कहीं प्रभु प्रेरणा से उल्लेख जिक्र किया था, उसका व्याख्यान किया था, लिखा था उसको, तो उन्होंने ये कहा था कि जहाँ अच्छाई और सच्चाई होती है उसके साथ साथ बुराई भी चलती है, तो ये स्वाभाविक सी चीज है। जहाँ गेहूं होता है, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू रूरल एरिया, मैं देहात से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि जहाँ गेहूं होता है गेहूं में तो करोड़वा एक जो सामान्य सी बात होती है, पर उन्होंने, अगर आपने रामचरितमानस को पढ़ा हो, उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर विचार करना है, उनको दृष्टिपात करना है, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं मरा, क्योंकि उसका भी एक मैं आपको बात बता रहा हूं, क्योंकि कहा जाता है कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, जब सांसारिक व्यथाओं से इंसान का मन भर जाता है तो अंततः उसको एक ही रास्ता जो सूझता है, और वो है प्रभु के चरणों की सेवा, उनके चरणों की शरण। आप देख सकते हैं कि जितने भी भक्त आ रहे हैं उनमें अभी भी इतना जोश बना हुआ है, या कह लीजिए अभी तो जोश उठा है एक प्रकार का, क्योंकि अभी बाबा जी तो 8 बजे आएंगे, लेकिन हुजूम आप सब देख सकते हैं लगातार भक्त जो है आ रहे हैं, आप सब देख सकते हैं जैसे राम का नारा लगाकर लोग अपने 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 तरीके से बाबा का स्वागत कर रहे हैं। मैं आप सबसे अभी के लिए रोकूंगा थोड़ा आपको, फिर भी आपको थोड़ा कुछ लोगों से और बातचीत करवाने की कोशिश करूंगा, आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा।